हमास ने हमला किया, हमास का कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थन करती दिखाई दे रही है, क्या कह रहे हैं? हम फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं, भारत भी फिलिस्तीन की जनता के साथ है, और सरकार भी इस समय महत्व को समझी, और इसलिए अब उन्होंने भी फिलिस्तीन की बात कही है। हम दुनिया में कहीं भी हिंसा है, हम हिंसा के विरोध में हैं, आतंक के विरोध में हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, भाजपा को, कांग्रेस को आतंक के पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, वो पात्र भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि आतंक का सबसे बड़ा शिकार, बड़ा प्रहार कांग्रेस के ऊपर हुआ राजनीतिक दल के रूप में। हमने आतंकियों के हाथ में इंदिरा गांधी खोई, हमने राजीव गांधी खोए, सरदार बैंस सिंह खोए, विद्याचरण शुक्ला खोए, कर्मा खोए, और 100 से ज़्यादा हमारे नेतागण जो है आतंकियों की गोली के शिकार हुए। तो भाजपा जो है बलिदान के मामले में हमारे सामने कहीं नहीं टिकती है, इसलिए आतंकवाद पर उनको हमको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं। हम इतना चाहते हैं कि गल्फ़ में शांति आए, फिलिस्तीन में शांति आए, क्योंकि लाखों हमारे भाई बंधु गल्फ़ में काम कर रहे हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी ज़िंदगी की सुरक्षा का सवाल है, और जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, क्योंकि पेट्रोल डीजल आदि के दाम बढ़ेंगे तो उसका खामियाजा गरीब को भुगतना पड़ेगा, इसलिए हम गल्फ़ में शांति की प्रार्थना करें।